ओके प्रधान। आज कॉलेज बंद है ना? ओके आकांक्षा, कॉलेज बंद है तो सब कुछ कहाँ, यहाँ पे आके सब कुछ ऑन करना सेट करने में टाइम लग गया। जी, हम कॉलेज से ले रहे हैं इसमें क्लास। पहले घर से लेते थे, अब कॉलेज से ही ले रहे हैं इस समय। गुड आफ्टरनून विकास। ओके नरेंद्र, गुड आफ्टरनून। चलिए स्टार्ट करते हैं। जी, देखिए कल की क्लास में ठीक है क्या हुआ था, स्काई कोड। आई होप कि स्काई कोड सभी को समझ में आ गया था ना, कि स्काई कोड क्या होता है, उसका यूज क्या है। ओके प्रशांत, हमने लास्ट क्लास में आकांक्षा, क्या हुआ आकांक्षा, तो मुझे कांटेक्ट करना ठीक है, व्हाट्सएप पे मैसेज करना। मैं तुम्हें या तो आपको, हाँ, या तो वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा या फिर आपको समझा दूंगा वहाँ पे ठीक है, क्योंकि पूरी डिटेलिंग बताई गई थी ठीक है आस्काई करेक्टर के बारे में। ओके, मुझे मैसेज करना व्हाट्सएप पे। तो ये आपका था यूनिवर्सल कोड ठीक है, यूनिवर्सल कोड ये हमें आपको बताना था। इसे हम लोग यूनी कोड के नाम से भी जानते हैं ठीक है, कहीं कहीं पे आता आपका यूनी कोड तो कुछ और नहीं बल्कि यही होगा ठीक। या तो ओके हमें मैसेज करना, प्रोवाइड कर देंगे यूनी कोड या फिर क्या बोलते हैं इसको, यूनिवर्सल कोड। देखिएगा अब यहाँ पर आपको इसके लिए आस्काई कोड थोड़ा क्लियर होना चाहिए, वो मैं आपको एक बार फिर से यहाँ पे क्या कर रहा हूँ बता दे रहा हूँ, मेन यूज क्या आस्काई कोड का। तो जैसे मैंने आपसे बताया था, ध्यान रखिएगा, मैंने आपसे ये बताया था कि अगर आपको कोई भी वर्क करना पड़ता है ठीक है, तो उसके लिए आप सॉफ्टवेयर बनाते हो। क्या बनाते हो? सॉफ्टवेयर। ध्यान रखना, मैंने आपसे कहा कि अगर आप कोई वर्क करना चाहते हो तो उसके लिए क्या बनाते हो? सॉफ्टवेयर। जैसे मान लेते हैं कि अगर आपको मैसेज सेंड करना है, क्या सेंड करना है? मैसेज ठीक है। ध्यान से सुनना, आपको कोई मैसेज सेंड करना है तो सिंपल सी बात है, आपको मैसेज सेंड करने की कोई एप्लीकेशन होना चाहिए, या तो आपका फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, वी चैट हो, से कुछ भी हो सकता है यहाँ पे ठीक है। तो कहीं ना कहीं मेरा कहने का मतलब, मान लो व्हाट्सएप मान लेते हैं, तो ये व्हाट्सएप आपका क्या है? एक एप्लीकेशन है। ये व्हाट्सएप आपका क्या है? एक एप्लीकेशन है। मतलब जब तक एप्लीकेशन नहीं होगा तब तक आप कोई वर्क नहीं कर पाएंगे ठीक है, जब तक, यही से हम बोलते हैं क्या, सॉफ्टवेयर है। जब तक सॉफ्टवेयर नहीं होगा तब तक आप कोई वर्क नहीं कर पाएंगे। वर्क क्या था? मैसेज सेंड करना था ठीक। अब ध्यान रखिएगा, ये जो वर्ड सॉफ्टवेयर होता है, ये मैंने बताया था ये कोडिंग से बनता है। किससे बनता है? कोडिंग से। मतलब ये जो कोड, अब यहाँ पे क्या करोगे, कोड करोगे ठीक है, कुछ लिखोगे, क्या क्या काम करना है उसको लाइन बाय लाइन लिखोगे, कैसे कैसे मैसेज सेंड करना है उसको लाइन बाय लाइन लिखोगे। जो सॉफ्टवेयर बनता है उसमें क्या क्या करना होता है वही लिखा जाता है ठीक है। जैसे अगर
कैलकुलेटर बनाना है आपको, तो कैलकुलेटर में क्या क्या होगा, नंबर यूजर देगा, उसको ऐड करना है, रिजल्ट शो कराना, यही सब चीजें यहाँ पे लिखनी पड़ती हैं। अगर व्हाट्सएप पे मैसेज सेंड करना तो व्हाट्सएप पे क्या क्या होगा, कहाँ से इमेज अपलोड करनी है, कहाँ से आपको मैसेज लिखना है, कैसे क्या करना है, मतलब सब कुछ चीजों को यहाँ लिखना पड़ता है, उसी को हम कोड बोलते हैं। और जब प्रॉपर वर्क हो जाए, उसका एक बंडल बना देते हैं, प्रॉपर वर्क करता रहे तो उसको हम क्या बोल देते हैं, सॉफ्टवेयर बोल देते हैं। ठीक है, इसका मतलब है ये कोड करने के लिए, ये कोड हम लोग करेंगे तभी जाके सॉफ्टवेयर बनेगा, सॉफ्टवेयर बनेगा तभी जाके हम मैसेज को सेंड कर पाएंगे यहाँ पे। क्लियर, ध्यान रखना। इसके बाद अब ये जो कोड लिखना होता है, कोड लिखने के लिए हमारे पास क्या होते हैं, 255 कैरेक्टर्स होते हैं, 255 कैरेक्टर्स होते हैं जिनका यूज करके हम सारी चीजों को लिख सकते हैं। जैसे मैं कहूँ अगर आपको इंग्लिश में कुछ लिखना हो, यहाँ पे क्या लिखना था, अगर आपको इंग्लिश में कुछ लिखना होता तो मैंने बोलता आपका टोटल कितने हैं, 26 अल्फाबेट हैं, इनका यूज करके आप क्या करते हैं, इंग्लिश में कोई भी चीज लिख सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पर जब आपको कोडिंग लिखनी है सॉफ्टवेयर बनाने के लिए, तो कोडिंग में आप सिंपल सी बात है ये भी यूज करते हैं, ठीक है, कैपिटल से कैपिटल भी यूज करते हैं, 0 to 9 भी यूज करते हैं, सिंबल वगैरह भी यूज करते हैं, इन सबको मिला करके अगर वो देखा जाए तो टोटल हमारे पास 255 करेक्टर्स मिलते हैं जो कीबोर्ड वगैरह में होते हैं, और कहीं ना कहीं हम किसी ना किसी तरीके से उनको क्या करते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक, तो कहीं ना कहीं ये जो 255 करेक्टर्स हैं, आप सभी को पता है ये किसने प्रोवाइड किया है, आस्काई ने बोला है कि कुछ भी अगर आपको कोडिंग करनी हो, कुछ भी लिखना हो कंप्यूटर में, तो उसके लिए आपको यहाँ पे क्या करना है, आस्काई करेक्टर दिए गए हैं और उसके हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, कर लेंगे इस चीज को। ध्यान रखना, हर 255 करेक्टर की एक न्यूमेरिक वैल्यू होती है, क्या होती है, न्यूमेरिक वैल्यू होती है, न्यूमेरिक वैल्यू। अगर न्यूमेरिक वैल्यू होती है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि मशीन जब समझेगी इस व्हाट्सएप को, जब आपका कंप्यूटर, ध्यान रखना ये आपका क्या है, मान लेते कंप्यूटर है, ये क्या है, कंप्यूटर है, ये कंप्यूटर जब इस व्हाट्सएप को रन कराएगा, तो आप सभी को पता कंप्यूटर क्या समझता है, 0 और 1 समझता है। कंप्यूटर क्या जानता है, 0 और 1 जानता है। अगर कंप्यूटर 0 1 जानता है, सिंपल सी बात है कि जो भी कुछ लिखा हुआ आएगा वो 0 1 में होना चाहिए, अगर 0 1 में नहीं होगा तो सिंपल सी बात है कि आपका कंप्यूटर उसको प्रोसेस नहीं कर पाएगा, और जब प्रोसेस नहीं कर पाएगा जो लिखा गया है, तो मैसेज भी सेंड नहीं होगा, या जो भी काम करने के लिए आप सॉफ्टवेयर बनाए वो काम नहीं होगा आपका। ठीक है, ध्यान रखना, इसका मतलब है, ओवरऑल हम बताने का मतलब यहाँ पे है कि हम जो भी कोडिंग करते हैं, ठीक, या करेंगे आगे, अभी तो आप करते नहीं हो, आप जो भी आगे कोडिंग करोगे, सॉफ्टवेयर बनाओगे, उन सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए कितने किसका यूज करोगे, 255 करेक्टर्स का ही यूज करोगे, उसके अलावा कोई भी करेक्टर नहीं होगा। ठीक है, 255 क्या, 256 करेक्टर का ही यूज करोगे, उसके अलावा कोई और उसके ज्यादा उससे ज्यादा करेक्टर नहीं होंगे। और जब इसका यूज करोगे तो, और सबकी एक क्या होती है, न्यूमेरिक वैल्यू होती है, अगर सबकी एक न्यूमेरिक वैल्यू होती है तो हम सबको बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं, बाइनरी में कन्वर्ट कर, इसका मतलब है इन 256 करेक्टर, 256 यहाँ पे, ठीक है, जो 256 करेक्टर्स हैं, इन 256 करेक्टर्स में अगर हम कोई भी चीज लिखते हैं तो मशीन को समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे अगर आप इंग्लिश का यूज करके, सर उसमें हम करेक्टर की बाइनरी ही लिखेंगे, नहीं हम बाइनरी नहीं लिखेंगे, हम लोग अपने आप से लिखेंगे, वो अपने आप बाइनरी में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है आशुतोष, हमको बाइनरी नहीं लिखना, बाइनरी लिखना होता फिर हम लोग इतना क्यों पढ़ते, तो डायरेक्टली बाइनरी ही पढ़ते ना, ये सब चीजें क्यों पढ़ते इतना। तो ध्यान रखना, ओवरऑल इसको बताने का कंक्लूजन क्या है, ध्यान से समझना, कंफ्यूजन थोड़ा जरूर होगा, हो सकता है, इसका बताने का मतलब ये है कि जो हम लोग कोडिंग करते हैं वो कोडिंग में सिर्फ कितनी चीजें यूज होती है, 256 करेक्टर के आसपास हम लोग घूमते रहते हैं, और हर करेक्टर का आपको पता है एक न्यूमेरिक वैल्यू होती है जिसे हम आस्काई कोड बोलते हैं। ठीक, और अगर न्यूमेरिक वैल्यू मिल गई तो हमें उसकी हम बाइनरी क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर, इसका मतलब है हम इनडायरेक्टली बोल सकते हैं कि हम जो सॉफ्टवेयर बनाते हैं उसकी वो बाइनरी में रिप्रेजेंट हो सकता है, उसकी बाइनरी निकल सकती है, तो मशीन को यहाँ पे रन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर यहां तक, नहीं 256 से ज्यादा नहीं हो सकता, जो भी आप सॉफ्टवेयर बनाओगे उसमें 256 से ज्यादा करेक्टर नहीं लिख सकते हैं अगर आपका कंप्यूटर आस्काई कोड पे काम कर रहा है। बताइए सभी लोग क्लियर है यहां तक, मतलब एक माइंड में फिगर बना आपका, तभी आप समझ पाओगे यूनिवर्सल कोड क्या है। प्रशांत, ओके, आशुतोष, आकांक्षा, अजय, अनुराग, सही है, अरुण, ओके, बाकी लोग
वत्सल। ओके ठीक है। वाई शुक्र करा रही है हिमांशु, आपके यहाँ ही प्रॉब्लम होती है हिमांशु, कुछ तो नेटवर्क इशू है। देखो अच्छा जी जी अरमान, आप जो जो काम करना है उसको पूरा लिखना पड़ेगा, ठीक, उसको पूरा लिखना पड़ेगा। मतलब सॉफ्टवेयर का मतलब ये, जो आप बीएलसी यूज करते हो, जो आप लोग क्या यूज करते हो, फेसबुक यूज करते हो, कितने भी एप्लीकेशन आप यूज करते हो फोन में, सब कोडिंग होती है, सब कुछ लिखा गया होता है लाइन बाय लाइन। और वही आपको यहाँ पढ़ना है, वही यहाँ पे पढ़ के आपको सीखना है कैसे सॉफ्टवेयर बनता है। जितनी वेबसाइट आप देख रहे हो सब कोडिंग है, सब लिखा गया है, और यही 256 करेक्टर वहां पे यूज हुए, इसके अलावा कोई और करेक्टर यूज नहीं हुआ है। बाकी सबके यहाँ क्लियर है जी, भी सटीक कोड होता है अंकित। चलिए ओके वत्सल, वेरी गुड। चलिए देखिए अब यहाँ पे क्या है, यूनिकोड। यूनिकोड ये बस जानते रहो, फुल फॉर्म वगैरह पूछ लिया था कभी कभी, ठीक है, क्या यूनिवर्सल कोड होता है। बाकी आपकी एग्जाम में स्काई कोड से क्वेश्चन आ सकता है, शॉर्ट नोट यूनिकोड से नहीं आता ज्यादा, ठीक है, पर जानते रहो आप, थोड़ा सा डिफरेंट क्या है। देखिए हम लोग यहाँ पे इंडिया में देखा जाए तो सबसे ज्यादा जो लैंग्वेज प्रेफर हो रही है वो क्या है आपकी, इंग्लिश है कोडिंग करने में। या सिंपल सी बात, आजकल सबसे ज्यादा फेमस कौन लैंग्वेज हो रही है आपकी, इंग्लिश है। तो हम लोग ठीक नहीं अरमान, हार्ड वर्क नहीं है, ठीक है, आपके लिए बहुत आसान है। सॉफ्टवेयर बनाना 4 5 10 दिन की बात होती है अगर आप सीख जाते हो तो, ठीक। तो जैसे अभी यहाँ पे हम लोग इतने दिनों से काम कर रहे हैं, अगर कोई सॉफ्टवेयर बनाना होता तो हम लोग लगता है कुछ है ही नहीं है, बन जाता तुरंत, ठीक है। इसलिए आप हार्ड वर्क नहीं है यहाँ पे, ये नहीं बोल सकते हो। हाँ एक आपको क्या करना, कोर्स करना है, सीखना है उसको, ठीक है, उसके बाद बहुत आसान हो जाता है सारी चीजें। इंग्लिश ठीक, मैं ये कह रहा हूँ कि इंडिया में टोटली ज्यादातर लोग फोकस किस पे करते हैं, इंग्लिश पे करते हैं। अगर आपको क्या करना है, कह दिया गया है कि कोडिंग करने के लिए, अरुण स्क्रीन क्यों नहीं आ रही है, सभी को स्क्रीन दिख रही है, स्क्रीन सभी को दिख रही है, ओके 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 ओके। मैं ये कह रहा हूं कि ध्यान रखना, अगर आपसे पूछ लिया गया कि आपको सॉफ्टवेयर बनाना है, क्या बनाना है, सॉफ्टवेयर बनाना है, ठीक, और सॉफ्टवेयर बनाने के लिए आपको इन 255 करेक्टर क्या करना है, यूज करना है, मतलब इंग्लिश आपको, ऐसे मान लेता हूँ कि आपको इंग्लिश उसमें इंक्लूड है ना, तो इंग्लिश आपको आनी चाहिए। अगर इंग्लिश आपको नहीं आती तो आप कोडिंग नहीं कर पाएंगे, आप सॉफ्टवेयर नहीं बना पाएंगे, मतलब आपको इंग्लिश सीखना ही पड़ेगा वर्क करने के लिए, ठीक। तो ये हम लोग इंडिया में जो भी होता है, जो भी लोग क्या करते हैं, पहले इंग्लिश सीख लेते हैं या फिर वो सिंबल सीख लेते हैं तो कोडिंग करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब अगर आपको, हाँ 256 सॉरी, क्योंकि 0 से 255 होता है, ठीक है, 0 से 255 होता है, ठीक। इसकी इंडेक्सिंग तो मैं बार बार इसलिए क्या बोल रहा हूँ, 0 से मैं 255 बोल दे रहा हूँ, फिलहाल टोटल 256 होते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ध्यान रखना कि 256 करेक्टर्स जिसको पता होंगे वही कोडिंग कर सकता है, या बोल सकते हो इंडिया में लोग इंग्लिश सीख लेते हैं कोडिंग करने के लिए, या जिसको हिंदी में, अगर उनको हिंदी आती है, उनको अगर हिंदी आती है तो हिंदी में वो कोडिंग नहीं कर सकते, हिंदी में नहीं लिख सकते, क्यों, क्योंकि हिंदी वाले जो आपके अल्फाबेट हैं वो बाइनरी में कन्वर्ट नहीं हो सकते, हिंदी के जो अल्फाबेट हैं वो बाइनरी में कन्वर्ट नहीं हो सकते। इसलिए अब अरुण आप चाहे जहां से भी हो, इतनी इंग्लिश आपको आती है, ठीक है, मैं जो बोल रहा हूँ लिख रहा हूँ समझ रहे हो ना, इंग्लिश यहाँ पे आपको सब आना चाहिए, A to Z, ये बताओ A to Z आता है ना, बस इतना बोलना नहीं वहां पे, ठीक। तो मेरा कहने का मतलब है कि अगर ए
ए लिख रहे हो आप, तो मशीन को पता है कि ए का मतलब क्या होता है 65, ए का मतलब क्या होता है 65, और उसकी बाइनरी निकाल देगा, ठीक है। लेकिन अगर आप क्या लेके आए, ये लेके आए हिंदी अल्फाबेट का, तो इसकी बाइनरी नहीं निकाल पाएगा कौन, मशीन, क्योंकि मशीन इसकी कोई न्यूमेरिक वैल्यू नहीं जानता है, ठीक है। तो ध्यान रखना, तो हम लोग कभी भी हिंदी में कोडिंग नहीं कर सकते हैं, हम लोग जब भी कोडिंग करना होगा किस में करना होगा, इंग्लिश में करना होगा। बताओ ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि हम हिंदी में कोडिंग क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि हिंदी के अल्फाबेट की कोई न्यूमेरिक वैल्यू नहीं है। और जब कोई न्यूमेरिक वैल्यू नहीं है तो सिंपल सी बात है कि उसको बाइनरी में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, और जब नहीं किया जा सकता तो हम उसके में कोडिंग नहीं कर सकते, लिख नहीं सकते। ओके, बस ध्यान देना कि हम हिंदी में कोडिंग नहीं कर सकते, किसमें करेंगे, इंग्लिश में करेंगे। ओके हिमांशु, ठीक है। अब ध्यान देना, हम लोग क्या करते हैं इंडिया में, क्या करते हैं हम लोग, हिंदी को छोड़ देते हैं, चलो ठीक है, नहीं अगर कोडिंग कर पा रहे कोई प्रॉब्लम नहीं, हम इंग्लिश में करके कोडिंग कर लेंगे। लेकिन जैसे जो कुछ और कंट्रीज हैं, जैसे चाइना है, चाइना कभी नहीं चाहता कि हम इंग्लिश में कोडिंग करें, चाइना चाहेगा कि हम चाइनीज में ही करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, फ्रांस हम फ्रेंच में करेंगे, ये जर्मनी हम जर्मन में करेंगे, मतलब ये लोग अपने लैंग्वेज को, ठीक है, जो उनकी मदर लैंग्वेज, उसको ज्यादा प्रेफर करते हैं, इंग्लिश से ज्यादा प्रेफर करते हैं। तो भी आप सुनते होंगे फ्रेंच होगी चाहे चाइनीज होगी चाहे जर्मन होगी, ये लैंग्वेज ज्यादा फेमस है, ठीक। तो कहीं ना कहीं ये लोग अपनी ही लैंग्वेज में कोडिंग करना चाहते हैं, जब अपनी ही लैंग्वेज कोचिंग करना चाहते हैं तो सिंपल सी बात है उनके जो भी अल्फाबेट होंगे, आप चाइनीज लैंग्वेज तो मुझे आती नहीं है, ठीक है, नहीं तो उसके अल्फाबेट बताता आपको, तो उसके जो भी अल्फाबेट होंगे यहाँ पे, वो सारे अल्फाबेट में अगर कोडिंग करें तो सॉफ्टवेयर बन जाए और हमारा कंप्यूटर उसको प्रोसेस कर ले, इंग्लिश जरूरी नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना। तो इनके लिए क्या करी गई है, जितने भी सिंबल होते हैं हर सिंबल के लिए भी आपको न्यूमेरिक कोड प्रोवाइड किया गया है, मतलब कि अगर आप यूनिकोड का यूज करते हैं, ध्यान देना, अगर आपका कंप्यूटर यूनिकोड पे काम करता है तो वो चाहे चाइनीज हो चाहे जर्मन हो चाहे फ्रेंच हो चाहे इंग्लिश हो, किसी भी लैंग्वेज में आप प्रोग्रामिंग करो, कोडिंग करो, सॉफ्टवेयर बनाओ, कंप्यूटर को समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वो आपके ऊपर है, ठीक है, आप क्यों यूज, क्योंकि यहां पर हिंदी में मैंने बताया ना आपको, तो हिंदी सिंपल सी बात है कि आपको जरूरत पड़ती, क्योंकि कौन ज्यादा किसको प्रेफर कर रहा है यहाँ पे। अब जाके आप लोग क्या करो, यहाँ पे वो सारी चीजें इंडियन सिस्टम की है ना, ठीक है, तो इंडियन सिस्टम की वो सारी चीजें हैं, उस पर हम लोग काम करना चाहिए, वो अलग टॉपिक है, ठीक है। हिंदी क्यों नहीं यूज करते सर, ठीक है, हिंदी को प्रेफर क्यों नहीं करते सर, ये से क्वेश्चन जो आपके हैं वो सब हम ही लोगों को तो करना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी तक तो कोई और था, अब आप लोग आ गए हो ना, अब आप लोग नेक्स्ट टाइम से ट्राई करो, कुछ ऐसा करो कि ऐसे सॉफ्टवेयर बनाओ, ऐसा कोड बनाओ, जैसे एक आस्काई कोड बना है, एक यूनिकोड बना, ऐसे कोड बनाओ कि उसमें हिंदी को भी क्या करो, इंक्लूड करो, ठीक। चलिए फिलहाल मैं बस समझा रहा हूँ आपको क्या है यहाँ पे यूनिकोड, आइए क्लियर समझ लेते हैं यूनिकोड होता क्या है, आपको कहानी तो बहुत सुना चुके हैं। देखिए यूनिकोड, बस ध्यान रखना, ये आपका कंप्यूटर है, ये समझना है, इसमें कुछ लिखवा नहीं रहा हूँ खुद ही, ये क्या है कंप्यूटर है, इसको प्रोसेस करना है, और यहाँ पे सॉफ्टवेयर है, यहाँ पे क्या है सॉफ्टवेयर है, ठीक। अब सॉफ्टवेयर में कुछ भी हो सकता है, मैंने बोला व्हाट्सएप ही है, और यहाँ पर आपके पास कोड, क्योंकि कोड से क्या बनता है सॉफ्टवेयर, पहले आप कोड ही लिखते हो, पहले क्या लिखते हो कोड ही लिखते हो, ठीक। इसके बाद अब यहाँ पे वो लैंग्वेज यूज कर रहे हो आप, कौन से लैंग्वेज, मतलब चाइनीज है, फ्रेंच है, जर्मन है, इंग्लिश है, इस लैंग्वेज का यूज कर रहे हो आप यहाँ पे, ठीक है, क्या करने के लिए, कोडिंग करने के लिए, लिखने के लिए, और उससे क्या बन रहा है आपका सॉफ्टवेयर, ठीक। लेकिन अगर ये मशीन, ध्यान रखना, अगर ये मशीन किस पे बेस्ड है, यूनिकोड पे, किस पे बेस्ड है यूनिकोड पे, तो आपके सॉफ्टवेयर को रन करने में कोई प्रॉब्लम
नहीं होगी, आपका सॉफ्टवेयर क्या कर जाएगा, रन कर जाएगा, क्योंकि ये यूनिकोड को सपोर्ट करता होगा, तो यूनिवर्सल कोड को सपोर्ट कर रहा है। इसका मतलब है किसी भी लैंग्वेज में कोडिंग करी जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी भी लैंग्वेज में सॉफ्टवेयर बनाया जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ध्यान देना, अगर यहाँ पर क्या होता, आस्काई कोड होता, अगर यहाँ पर क्या होता, आस्काई कोड होता, मतलब आस्काई कोड पे कंप्यूटर काम करता, तो मैंने बताया आपसे कि वो सिर्फ किसको सपोर्ट करता है, इंग्लिश को ना, इसका मतलब जो 256 करेक्टर है सिर्फ उसी को सपोर्ट करता है, उसके अलावा किसी और को सपोर्ट नहीं करता। ये कोडिंग उसी में लिखी जानी चाहिए, सॉफ्टवेयर आपका उसी 256 करेक्टर से मिलकर ही बना होना चाहिए, तो ये समझ जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे आस्काई कोड होगा तो ये ना तो चाइनीज लैंग्वेज समझ पाएगा, ना ही फ्रेंच, ना ही जर्मन। तो ये ध्यान रखना, यूनी कोड और आस्काई कोड ये लोग क्या होते हैं आपके पास, कंप्यूटर को वर्क करने के लिए कोडिंग सिस्टम होते हैं, कि जो क्या करते हैं कि कंप्यूटर हमारा किन किन अल्फाबेट में काम करेगा ये डिसाइड करते हैं। तो आस्काई कोड आप समझे थे क्या होता है, ठीक। तो यूनी कोड और आस्काई कोड डिफरेंस समझ में आया, यूनी कोड और आस्काई कोड में डिफरेंस समझ में आया, क्या डिफरेंस है कि सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए आपको इंग्लिश की कंपलसरी जरूरत नहीं है, या इंग्लिश कंपलसरी नहीं है, आपको चाइनीज आती है, फ्रेंच आती है, जर्मन आती है, आप इसमें भी क्या कर सकते हो, अपना प्रोग्राम लिख सकते हो, लेकिन हिंदी इंक्लूड नहीं है। आप ध्यान रखना, हिंदी में नहीं कर सकते आप, क्योंकि हिंदी इसमें है ही नहीं है। वो कन्वर्ट कर लेता है अरमान। देखिए, अगर किसी के दिमाग में आ रहा हो कि सर हम हिंदी टाइप करते हैं, अगर हम हिंदी टाइप करते हैं तब भी तो कंप्यूटर काम करता है, वो हिंदी को अंदर क्या करता, पहले इंग्लिश में कन्वर्ट कर लेता है पूरा का पूरा, तब जाके वर्क करता है। ओके अरमान, अजय बात यहाँ पे ये हो रही है कि अगर आप जो सॉफ्टवेयर बनाओगे, क्योंकि ये थोड़ा सा आगे काम, अगर आप सॉफ्टवेयर में थोड़ा बहुत पढ़ोगे आगे तो समझ में अच्छे तरीके से आएगा। अगर आप सॉफ्टवेयर बनाओगे तो मैं कह रहा हूँ सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए कोड करना पड़ता है, लिखना पड़ता है, जैसे आप इंग्लिश हिंदी में लिखते हो, ठीक, ये लिखना पड़ता है। तो अगर ये आपने किसी भी लैंग्वेज में लिख दिया तो भी अगर यूनिवर्सल कोड पे कंप्यूटर काम कर रहा है तो क्या होगा, वो वर्क करेगा, अगर आस्काई कोड पे काम कर रहा है तो वर्क नहीं करेगा। ठीक है अजय, जैसे मैंने बोल दिया, ध्यान रखना मैं एक चीज और बता रहा हूँ यहाँ पे, मैंने बोल दिया कि आप गाइडर हो, आप क्या हो, कहीं गाइड करने वाले हो, आप गाइड करते हो, ठीक है। अगर आप गाइड करते हो तो अगर कोई मान लेते हैं इंडियन आ गया, कोई अगर इंडियन आ गया, ठीक, तो आप गाइड कर ले जाते हो, क्यों, क्योंकि उसको हिंदी आती है और हिंदी के सारे अल्फाबेट की मीनिंग आपको पता है, इसलिए आप गाइड कर पाते हो। तो आप कंप्यूटर हो मान लेते हैं, आपको क्या पता है, हिंदी सिस्टम पता है, हिंदी कोड पता है, वो जैसे आस्काई कोड वैसे क्या हो गया यहाँ पे, हिंदी कोड आपको पता है, इसलिए आप क्या करते हो, एक जो ये बोलता है एग्जीक्यूट कर लेते हो, प्रोसेस कर लेते हो, उसके मीनिंग को समझ जाते हो, उसको गाइड कर देते हो। लेकिन अगर मान लेते हैं कोई ऐसा बंदा यहाँ पर है, कोई ऐसा बंदा यहाँ पर है जो चाहे किसी भी कंट्री के लोग आए, चाहे किसी भी कंट्री के लोग आए, हर सबको ये गाइड कर सकता है, ये हो गया यूनिवर्सल कोड मान लेते हैं। इसका मतलब है ये हर एक की मीनिंग को समझता है, ठीक है, मीनिंग समझने वाला, हर एक को बाइनरी में कन्वर्ट कर सकता है, ठीक, इसलिए ये क्या होगा आपका, यूनिवर्सल हो गया, ये क्या होगा आपका, आस्काई हो गया। अजय क्लियर है, अरे सबको म्यूट नहीं किया गया क्या अभी, अरे जी बताना चाहिए था आप लोगों को। ओके ओके, नहीं आज मैंने बताया थोड़ा लेट हुआ था, इस वजह से शायद हमको अनम्यूट नहीं किया हमने। अब तो हो गया ना सभी का, ओके चलिए क्लियर हो गया सभी को, ओके। अच्छा हिमांशु इसी वजह से प्रॉब्लम से। और हाँ एक चीज और बता रहा हूँ, इतना इम्पोर्टेंट आपके लिए ये टॉपिक नहीं है आपके कोर्स के हिसाब से, ठीक है, बस एक आगे जब आप सॉफ्टवेयर बनाएंगे तो आपको इतना समझाना ही नहीं पड़ेगा मुझे, ठीक है। मैं नाम लूंगा यूनिवर्सल कोड का, और क्या नाम लूंगा, आस्काई कोड का, समझ जाओगे।
क्लियर है यहां तक ना? बस इतना समझो कि जो हर कोई समझ जाए उसका मतलब वो पैटर्न क्या हो गया, यूनिकोड हो गया। वो किस पैटर्न पे काम कर रहा है कंप्यूटर, यूनिकोड पे काम कर रहा है। अगर जो सिर्फ इंग्लिश को समझता है वो कंप्यूटर किस पैटर्न पे काम कर रहा है, अस्काई कोड पे काम कर रहा है। बस इतना ही ध्यान देना है यहाँ पर। ठीक है, चलिए देखिए इसके बाद यहाँ पे हमें पढ़ना है आपके एग्जाम में। मैं बता रहा हूं अगर जो कभी भी कुछ पूछा जाएगा तो क्या आएगा, अस्काई कोड, इसके अलावा कोई भी कोड नहीं आएगा। ठीक, आप आगे जब पढ़ोगे कभी कंप्यूटर साइंस में आपको बहुत कोड मिलेंगे, बट अभी के लिए आपके एग्जाम में सिर्फ एक ही कोड आएगा। हाँ, इस समय अस्काई पर ही वर्क कर रहा है। ठीक है, रविंद्र, आप जब कभी भी कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करिएगा, ध्यान रखिएगा, जब कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करिएगा करते हैं तो उसमें लैंग्वेज पूछता है। क्या पूछता है? लैंग्वेज। जब लैंग्वेज पूछता है तो आप लोग क्या सेलेक्ट करते हैं? इंग्लिश। ध्यान से देख, हमेशा यही करते हैं आप लोग। इसका मतलब ही क्या है कि आप लोग इंग्लिश पे ही वो आपका सॉफ्टवेयर वर्क करता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जब कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करोगे तो लैंग्वेज पूछेगा वहां पे, आप क्या हमेशा सेलेक्ट करोगे? इंग्लिश। यही करते भी हो, जिसने भी कभी किया होगा। चलिए देखिए, फिजिक्स टीचर, अच्छा अरमान, ये मैं कह रहा हूँ। ठीक है, ओके अरमान। और एग्जाम से पहले या एग्जाम जब आपका शुरू हो, आप अपनी पढ़ाई शुरू कर रहे हैं, ठीक है, तो आप पूछ लिया करिए क्या क्या टॉपिक एग्जाम, जो अगर हमने यहाँ पे आपसे बोल दिया है बिल्कुल नहीं आएगा यूनिवर्सल कोड वगैरह, तो ध्यान रखिएगा कि ये आपको किस टाइप या कब आएगा ये आपको बताया जाएगा। अभी आपका जो स्टार्टिंग सेमेस्टर इसमें नहीं आएगा। चलिए देखिए, इसके बाद है बाइनरी अरिथमेटिक। नहीं, और होती है रविंद्र, 200 कंट्री हैं। अब इतना हम यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, आपको हमारा समझाने का मतलब था यूनिकोड बस। बाइनरी अरिथमेटिक, यहाँ हमें पढ़ना है बाइनरी एडिशन क्या होता है। बाइनरी सब्ट्रैक्शन, बाइनरी मल्टीप्लिकेशन, और बाइनरी डिवीजन। अगर कोई यहाँ पे ओ लेवल का हो तो ओ लेवल में ध्यान रखना, ओ लेवल में आस्काई कोड तक ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, आपका क्या आएगा, नंबर सिस्टम की डेफिनेशन वगैरह, मतलब जो आपके पास क्या आते हैं स्टार्टिंग में बेसिक था, कन्वर्जन, सबसे ज्यादा चांसेज होते हैं आपके आने के कन्वर्जन, और साथ ही साथ आस्काई कोड। उसके अलावा आपके एग्जाम में और कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा ओ लेवल में। ठीक है, ओ लेवल में, पीडीसी में तो सब आएगा, पीडीसी में तो आना ही आना है। ठीक है, ओ लेवल में कुछ बच्चे ज्वाइन किए थे ना इसमें अभी, तो उसके लिए बता रहा हूँ क्या आएगा। आस्काई कोड का आप कभी 60 नोट्स आ सकता है, और कन्वर्जेंस पूछे जाएंगे, और कुछ नहीं आएगा। ठीक है, बीसीए पीडीसीए के लिए में तो पूरा आएगा जो जो पढ़ाया जा रहा है अब। तो बाइनरी अरिथमेटिक एडिशन आप लोग सबको आना चाहिए, क्योंकि एडिशन
अभी मैं आपको एक क्वेश्चन करवाऊंगा, वो लेवल में हो चाहे एडिशन सभी को आना चाहिए, चाहे आप वो लेवल हो, चाहे पीडीसी हो, चाहे बीसी हो, ठीक है? तो ध्यान रखना इस चीज का। बाकी मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ओ लेवल में नहीं आता कभी। देखिए मैं एडिशन की बात करने जा रहा हूँ, बाइनरी एडिशन, बाइनरी सब्ट्रैक्शन, बाइनरी मल्टीप्लिकेशन, बाइनरी डिवीजन में मैं पहले एडिशन की बात करने जा रहा हूँ। देखिएगा बाइनरी एडिशन, अब ध्यान से देखना आप लोग, बाइनरी एडिशन में आपको यहाँ पे फोर रूल्स याद करके रखने हैं। ये रूल्स हैं, अगर आपके सामने क्योंकि बाइनरी ऐड करने जा रहे हो, या तो दोनों जिनको ऐड कर रहे हो या दोनों क्या होंगे, जीरो होंगे, तो इसका आंसर क्या आएगा, जीरो आएगा। या तो पहला जीरो होगा दूसरा वन होगा तो आंसर क्या आएगा, वन आएगा। या तो पहला वन होगा दूसरा जीरो होगा तब भी आंसर क्या आएगा, वन आएगा। लास्ट में या तो दोनों वन होगा, अगर वन होगा तो यहाँ आएगा वन जीरो, क्या आएगा, वन जीरो। ये जीरो सम है, ये क्या है, सम है, मतलब इसको लिखना है। और वन क्या है, कैरी है, वन क्या है, कैरी है, ध्यान देना। जब आप वन प्लस वन करोगे तो आंसर क्या आएगा, जीरो, और वन आएगी कैरी आपकी, ठीक है? ध्यान रखना इस चीज का यहाँ पे, यही केस डिफरेंट है, बाकी तो सबक कर ले जाओगे आप लोग। तो इसको लिख लो आप, और चलिए एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं, अप्लाई करो एग्जाम्पल पे। कैरी क्या है, देखिए अच्छा, यहाँ पे जैसे आप 35 और 89 ऐड करते हो अजय, तो 95, 95 यहाँ क्या लिखते हो, 4 ना, ये 9 है, 95 यहाँ क्या लिखते हो, 14 आता है, क्या आता है, 14। तो 4 आपका वहां सम होता है, 1 क्या होती, कैरी होती है, 1 क्या होती है, कैरी होती है। समझ में आई बात अजय? 95 जब ऐड करते हो यहाँ पे 14 आता है, तो 4 क्या होता है, सम, और 1 क्या होती, कैरी। तो आगे ऐड कर देते हो, यही करते हो ना हिमांशु, 1 + 1 कह तो रहे हैं, 1 0 होगा, क्या होगा, 1 0, जहां पे 0 सम है, 1 क्या है, कैरी है, ठीक है? चलो देखो पहले एग्जाम्पल समझो, क्लियर हो जाएगा। 1001, ध्यान दो, 1 1, 1 + 1 क्या होगा, 1 + 1 क्या होगा, 0, क्लियर, 1 + 1 क्या होगा, 0, कैरी क्या होगी, 1, बोला गया है कि 1 + 1 आ गया, तो अगर 1 + 1 आ गया तो 1 + 1 क्या होता है, 0 होता है, कैरी क्या होती है, 1 होती है, तो कैरी को आगे बढ़ा दो, ओके आदर्श अरमान, कैरी को आगे बढ़ा दो, ठीक। तो अब ध्यान दो, 1 + 0 करोगे तो 1 ही आएगा, +0 करो तो 1 आएगा, मतलब यहाँ पे क्या आएगा, 1 आएगा, दो बार ऐड करना होगा। 1 + 0 किया तो क्या आया, 1 आया, और फिर 1 + 0 किया तो क्या आया, 1 आया, ठीक। यहां से 1 + 0, तो 1 + 0 एक बार करना है तो क्या आएगा, 1 ही आएगा, ओके रितेश सही है, वत्सल फिर से करो आप, 1 + 1, 1 + 1 क्या आएगा, 0, और कैरी क्या होगी, 1, 1 + 1 0 आएगा, कैरी क्या होगी, 1, और आपको पता जो लास्ट कैरी होती है उसको हम लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है? तो ये आ गया 1, तो 1 0 अनुराग अंकित, वेरी गुड, तो 1 0 1 1 0, ये बताओ हो जाएगा सभी का क्लियर है? आकांक्षा वेरी गुड, सौरभ, प्रशांत, अनुराग, अंकित सभी का सही है। ओके वत्सल हो गया सभी का, देखिए एग्जाम्पल 2,
1 1 0 1 1 प्लस 1 0 0 1 1 इसको सॉल्व करिए आप लोग, क्या आएगा? जीरो वन 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 जीरो, सही अरमान, वेरी गुड, सही है आदर्श, आदर्श गलत है आपका, रितेश सही है, अजय आपका भी गलत है, सौरभ सही है, वत्सल फिर से ट्राई करो, हिमांशु फिर से ट्राई करो, अरे कैरी को भी लेते चलो, सब लोग कैरी छोड़ रहे हो, अभिषेक आप भी फिर से ट्राई करो, सब कैरी छोड़ रहे हो, पहली वाली कह रही वही गलती कर रहे हो, वही भी अभी उसको हम बता रहे हैं, अंकित अनुराग सही है आपका, आदर्श नहीं नहीं ये वन वन क्यों आ रहा है तुम्हारा, सौरभ सही है, वेरी गुड, प्रशांत नहीं जी गलत है, रविंद्र वेरी गुड सही है, चलिए एक थोड़ा सा केस मैंने चेंज किया था, विकास नहीं फिर से ट्राई करो, अब केस ध्यान देना, अब करो मत ठीक है, हो जाएगा हमें पता है, आप एक बार बस सीख लो जहां पे गलती कर रहे हो, कन्हैया नहीं, कन्हैया फिर से करना है, देखो ये ध्यान दो, वन 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 क्या होगा जीरो, वन वन क्या होगा जीरो, और कैरी वन होगी तो कैरी को हम आगे लेके चले जाएंगे, क्लियर, अब यहाँ तीन वन हो गया, क्या हो गया तीन वन, अगर कोई प्रॉब्लम अलग से कर लो, वन पहले दो वन को ऐड करते हैं, वन प्लस वन करोगे तो क्या आएगा, सम पता आपको जीरो आएगा, कैरी वन आ गई, इसका मतलब है जब हमने इस और वन इस वन प्लस वन किया तो सम क्या आ गया यहाँ पे जीरो आ गया, और कैरी क्या आ गया यहाँ पे वन, इसको लिख दो आगे, लेकिन अभी फाइनल आंसर नहीं आया है, यहाँ जीरो आया था, अब जीरो प्लस वन क्या होगा वन होगा, फिर ध्यान से सुनना एक बार, पहले वन प्लस वन किया, वन प्लस वन किया तो क्या आ गया यहाँ पे, वन प्लस वन किया तो क्या आ गया यहाँ पे आपका जीरो, सम जीरो आ गया, कैरी क्या आ गई वन, तो कैरी हमने यहाँ पे लिख दिया, लेकिन जब जीरो प्लस वन किया तो हमने फिर से क्या आ गया वन आ गया, अगर तीन होते हैं तो ध्यान रखना तीनों पहले इन दोनों को ऐड करो, सम जीरो आएगा, कैरी तो वन ही है, फिर जीरो प्लस वन करोगे तो क्या आएगा यहाँ पे वन आएगा, सम भी वन आ गया, कैरी भी वन आ गई, तो सम तो वन यहाँ लिख ही दिए हम, कैरी यहाँ पे क्या लिख दिया वन, सही है, अब वन प्लस जीरो क्या आएगा वन ही आएगा, यहाँ पे क्या आएगा वन आएगा, तो आगे आगे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, वन जीरो का क्या हो जाएगा वन, वन वन का जीरो कैरी वन, और इसको तो लास्ट लिख ही लेंगे, तो आंसर क्या हो गया वन वन जीरो ट्रिपल वन जीरो, वन जीरो ट्रिपल वन जीरो, जी प्रशांत आकांक्षा आप सही है, तो आंसर क्या आ गया वन जीरो वन 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 जीरो, ये एडिशन है, ठीक है, चलिए आई होप क्लियर हुआ होगा, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं क्योंकि मीटिंग आपकी एंड होने वाली है, ओके थैंक यू।